बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ीफ़र कॉल व्यूअर्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही मज़े की और बहुत ही खट्टी मीठी सी आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। जैसे कि आपने आम का शेक, आम का जूस, आम का अचार, मीठा अचार भी और नमकीन अचार भी खाया होगा, लेकिन ये उन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा हटके और बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी है। तो इसको आप आम का मुरब्बा भी कह सकते हैं और आम का सालन भी इसको कह सकते हैं। जैसे ये बनाने का मैं आपको तरीका बताऊंगी, आप सेम वैसे ही बनाइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी भी ये जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की और बहुत ही ज़्यादा ये आसानी से बनने वाली रेसिपी है। इसकी लुक तो आपके सामने है, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको मीठा अचार उसकी रेसिपी मिलेगी, आम का शेक किस तरीके से बनाना चाहिए का बहुत ही ज़्यादा मज़े का बने, आपने कभी जिसने कभी मीठा अचार नहीं खाया वो भी मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख ले। तो अब हम चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की। मैंने 1 किलो आम लिए हैं, उसको अच्छे तरीके से उबाल लिया था, फिर ऊपर से छिलके उतार के, तो इनको मैंने बाज़ार से ही कटिंग करवा लिया था। आप चाहें तो इसे छोटे पीसेस भी कटिंग करवा सकते हैं। अब मैंने एक खाली पैन लिया, उसके अंदर सरसों का ऑयल हाफ से भी हाफ कप मैंने इसके अंदर डाला है। इस रेसिपी में हम सरसों का ऑयल यूज़ करेंगे। तो अब इसके अंदर डाला मैंने गर्म मसाला, जैसे कि आपने देखा है मैंने बहुत ही कम तादाद में गर्म मसाला डाला है। इसके अंदर मैंने मेथी दाना 2 टेबलस्पून डाला है, जो है इसके अंदर जो है मैंने 2 टेबलस्पून सौंफ डाली है। इसके बाद रेड मिर्च जो है वो मैंने 1/2 टेबलस्पून डाली है, और हल्दी वो 1/4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड की है। इसके बाद जो है काली मिर्च वो 1/2 से भी 1/2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड की है। सूखा धनिया वो पिसा हुआ लिया था मैंने, वो इसके अंदर मैंने 1/2 टेबलस्पून डाला है। नमक वो भी 1/2 टेबलस्पून। अच्छा, मैं ये कुटी हुई लाल मिर्च और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट टू अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इन मसालों की अच्छे तरीके से ज़रा भुनाई करेंगे, 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे, और तब तक करेंगे कि जब तक इसका जो है कलर वो चेंज नहीं हो जाता। जैसे कि मैं आपको ये आगे दिखाऊंगी कि आपने ये देखा होगा इसका कलर इस तरीके से जैसे ही हो जाए तो फिर आपने ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी, इसको ज़्यादा मसाले को फ्राई नहीं करना। उससे ये है कि ये जल भी सकता है और फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब इसके अंदर जो है वो मैंने आम डाल दिए हैं जो कटिंग किए हुए थे, वो इसको अंदर डालने के बाद अच्छे तरीके से ज़रा हम मिक्स करेंगे ताकि ये जो जितने भी मसाले हैं वो आम को अच्छे तरीके से लग जाए, सारे आम को। उसके बाद इसके अंदर मैंने चीनी डाली है, 2 कप जो है इसके अंदर डाले हैं चीनी के। 1 किलो आम जो है उसके अंदर 2 कप मैंने चीनी डाली है। तो ये भी जो है ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप जितने मैंने आपको चीनी बताई है बस उतनी ही आप इसके अंदर ऐड करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो फिर जो है मुरब्बा लगा लें या ये सालन जो है ये अच्छा नहीं बनेगा। तो अब इसको अच्छे तरीके से ज़रा हम इसके अंदर चम्मच चलाएँगे। उसके बाद अजवाइन, वो मैं स्टार्ट में आपको बताना भूल गई थी कि इसके अंदर अजवाइन, वो मैंने 2 चुटकी इसके अंदर अजवाइन डाली है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चीनी ने और आम ने, चीनी ने जो मेल्ट हो गई थी उसके बाद आम उसकी वजह से उसने पानी छोड़ दिया है। अब ज़रा इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इसके अंदर चम्मच चलाएँगे। तो ये इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि ये जो जितने मसाले हैं सारे अच्छे तरीके से जो है सारे आम को लग जाएं। तो उसके बाद हम ये करेंगे कि इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसके अंदर जो है जो मसाले जाएंगे आप मेरी वीडियो के अंत तक देखते जाइएगा। अब हम इसके ऊपर देंगे ढक्कन 5 मिनट के लिए,
पाँच मिनट के बाद, इसलिए हमने इसको ऊपर से ढक्कन उठा के देखना है कहीं ये जो है पानी ये इसको ड्राई ना हो गया हो, तो चीनी जल ना जाए, ये मुरब्बा जो है हमारा ख़राब ना हो जाए। तो इसीलिए आपने ये कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा देर इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखना और मीडियम आंच पे इसको पकाना है, और तब तक पकाना है। मैं आपको इसका टाइम इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये आम पर डिपेंड करता है कि आम कितनी देर लगती है गलने में। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अब हम इसके ऊपर देंगे दोबारा से ढक्कन, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि स्टार्ट में बताया था कि हमने दरमियान दरमियान में ढक्कन इसके ऊपर देना है, इसलिए क्योंकि हमें इसको गलाना है, और ढक्कन इसीलिए हमने हटा के देखना है कि कहीं ये जल ना जाए, और ये जो आम है इनके हम साइड भी चेंज इसी तरीके से करते जाएंगे। ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप जो है कच्चे पके आम लें, कच्चे और ना ही ज़्यादा कच्चे आम लें और ना ही ज़्यादा पके हुए आम लें। तो आपने जैसे कि स्टार्ट में देखा होगा, मैंने आपको दिखाया कि वो येलो कलर था आम का, तो आप वही आम इसके लिए यूज़ करें। तो देखें काफ़ी हद तक जो है इसका पानी ड्राई हो गया है, तो और ज़्यादा हम ड्राई करेंगे। तो जैसे ही ये देखें बिल्कुल थिक सा हो गया है, ये हमारा मुरब्बा बिल्कुल रेडी है। यह मेरे आम के मुरब्बे की, या आप इसको आम का सालन भी कह सकते हैं, उसकी फाइनल लुक। ये इसको सेव करने का तरीका यह है कि अच्छे तरीके से ठंडा करके सिर्फ शीशे के ही जार में डाल के आप इसको फ्रिज में 2 से 3 हफ्ते के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही खट्टा मीठा सा बनता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।